ग्यारह ग्यारह शुरू होने में चंद घंटे बाकी और हम आए हैं दराज के वेयर हाउस में और हम देखेंगे कि दराज के वेयर हाउस के अंदर बेसिकली होता क्या है और साल की इसके इस सबसे बड़ी सेल में आखिर दराज वाले इतने ऑर्डर्स कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं दराज के वेयर हाउस पे, हम देखेंगे व्हाट्स इनसाइड द दराज वेयर हाउस। तो आ जाए आपको इंशाल्लाह, ये हमारा नॉन बल्कि वेयर हाउस कहलाता है। तो इधर हमारे जो है छोटे आइटम होते हैं एंट्री वगैरह सारा कुछ इधर होता है और साथ ये हमारा बल्कि जिसके अंदर हमारे बल्कि आइटम जो होते हैं उसको इधर अकोमोडेट करते हैं। तो आ जाए हम दराज मॉल वाली सारी चीज़ें यहाँ से। हाँ बिल्कुल, हाँ अगर आप दराज को अगर लेंगे तो दराज के अंदर दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। एक पहली कैटेगरी आती है कि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी जो एक नॉर्मल बंदा भी उसके ऊपर अकाउंट बना के सेल कर सकता है। और उसके बाद आ जाती है दूसरी दराज मॉल। दराज मॉल के अंदर भी फर्दर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक वो चीज़ आ जाती है जो कि दराज खुद परचेज करके अपनी इन्वेंट्री में रखता है, एक वो होता है जो वेंडर इधर आके रख के जाता है हमारे पास, फिर उसका वो दराज को चार्ज वगैरह जो पॉलिसीज होती हैं वो उसकी। तो वेंडर को आप चार्ज करते हैं फॉर द स्टोरेज? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर ये होता है कि फर्स्ट थ्री मंथ उसको फ्री है और उसके बाद इसको फिर चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और दराज मॉल के अंदर भी आना थोड़ा सा एक ये एज कम्पेयर टू डिफिकल्ट है क्योंकि उसके अंदर जो SOPs हैं अगर वो फॉलो करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसको शॉर्टी बनाना होता है, तो ये सारी चीज़ें देख के उसके बाद जाके हम इसको अंदर एनलिस्ट करते हैं। और अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने लाहौर का भी वेयर हाउस देखा है लेकिन ये कराची का वेयर हाउस लाहौर के वेयर हाउस से बड़ा है? बिल्कुल, सबसे बड़ा है ये नॉन बल्कि है और कराची। अच्छा लाहौर के जो वेयर हाउस है उसके अंदर बल्कि और नॉन बल्कि दोनों एक ही सेट में, लेकिन इसके अंदर आप इस वाले वेयर हाउस में जाएंगे तो ये सिर्फ नॉन बल्कि का इतना बड़ा वेयर हाउस है कि ये लाहौर से भी बड़ा है और इसके अंदर बल्कि हमारा अलग आ जाता है। फिर आगे इसके अलावा सॉर्ट अलग है, सॉर्ट का भी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट इधर ही है। फिर उसके बाद हमारा एक CB होता है वो भी इधर ही इंटरटेनर होता है हमारा कराची के अंदर। अच्छा मुझे ये भी बताएं, आज 11:11 है तो जो ऑपरेशन है आपके वो 24 आवर्स चलेंगे? हाँ बिल्कुल, ये 24 आवर्स डबल शिफ्ट है, डबल शिफ्ट हो जाती है, इसके अंदर टाइमिंग भी इंक्रीज हो जाती है, जहाँ पे नॉन घंटे की ड्यूटी थी वो उन्होंने डबल कर उसको 12 घंटे कर देते हैं। और इसके अलावा फिर हमारी फिर कुछ 11:11 की हायरिंग होती है, अगर हम उसको हायरिंग करते हैं अलग से और 2-3 महीने के एज एन इंटर्न हम हायर करते हैं जो हमारी वो फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट फिल करते हैं। ओके ज़बरदस्त, चलिए अंदर चलते हैं। फिर इनसे मिले ये हैं सजावल कोकर जो कि आपकी क्वेरीज का आंसर कहते हैं ग्रुप्स में। जी जी बिल्कुल, और ये अली भाई को तो आप जानते हैं, काफी मशहूर शख्सियत है, आपके जितने मसले मसाइल हैं इनके थ्रू हम तक पहुंचने हम पूरी कोशिश करते हैं और उनको जवाब आते हैं। थैंक यू सुजावल। अंदर जाना है तो मोबाइल साइड पे रखेंगे, आपने जितना भी रसीद है उसको साइड पे रखेंगे, उसके बाद हम इसकी बिक्री करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप भी जाते फिर फिजिकली चेक होगा क्योंकि अंदर ना स्मोकिंग ना हो रहा है ना किसी किसी किस्म की कोई भी ऐसा आइटम नहीं ला जो कि आप किसी भी किस्म का आइटम नहीं लाओ, आप सिर्फ एक नॉर्मली कार्ड और वो आपकी चीज़ कर सकते हैं। तो ये एक SOP है हमारी इधर की डिस्प्ले के ऊपर भी लगी हुई है। और उसके अलावा एक होता है हमारा ग्रीन कार्ड होता है जिसके ऊपर हम मैनेजर्स को और लिमिटेड के लिए हम मोबाइल और लैपटॉप वगैरह अलाउ करते हैं उसके ऊपर। उसके अलावा देखें डेट हमारे अंदर जाने के लिए कोई भी चीज़ अलाउ करें वापसी के ऊपर सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। और अगर इनकेस कोई भी चीज़ अगर पकड़ी जाए तो वो भी जब्त हो जाती है उसके दौरान फिर रिसीव करने के लिए अच्छा होगा। तो ये एक प्रोसीजर है, इसको हम थोड़ा सा अभी आप लोगों के साथ करेंगे। तो दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेलिंग। जी जी बिल्कुल। हमें आप लोगों का कुछ चीजें होंगी जो अलाउ नहीं होते हम से, ठीक है, उसके अंदर कुछ बड़ी ये ना स्मोकिंग के इधर बहुत ज़्यादा होता है इशू होते हैं कि लाइटर वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं है, सेफ्टी का हम बिल्कुल पर्पज क्या इसका करते हैं। देखें हमारे सेफ्टी के लिहाज से अगर देखेंगे हर पिलर के ऊपर हमारे एक स्लाइडर लगा हुआ है, सिक्योरिटी के अंदर आप देखेंगे तो हर शटर के ऊपर हमारे गार्ड खड़े हुए हैं उसको ये चेक कर रहे होते हैं और हैंड ओवर टेक
के दरमियान उसकी वो प्रॉपर डेट पास बनता है, उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये एक हमारे रेसिपीज हैं। चटन ये हमारा 75,000 स्क्वायर फीट के ऊपर, और जो है हमारा 70% का वॉल्यूम जो है पाकिस्तान का वो इसलिए हमारे पास। इसके साथ एक और फैसिलिटी है यहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट की बल्कि फैसिलिटी, और एक एडिशनल फैसिलिटी हमने एक्वायर की है 11-11 के लिए, वो इसी रोड पर आ गया, वो भी लगभग 35,000 स्क्वायर फीट। ठीक है उमर भाई, ये वलीद भाई है हमारे, जुनेद भाई है, ठीक है अली उस्मान, यूज़ टू बी आर इनबाउंड एरिया बट नाउ इट्स बीन कन्वर्टेड इनटू हैंडओवर एरिया। सो व्हाट हैपेंस इज लाइक वी कंप्लीट द इनबाउंडिंग फॉर 11-11 बिफोर द कैंपेन स्टार्ट, राइट। जितना भी सामान स्टॉक आना होता है वो इनबाउंडिंग जो होती है वो कैंपेन से पहले कम्प्लीट हो जाती है, कैंपेन के दौरान सिर्फ आउटबाउंडिंग हो रही होती है। So we convert this inbound area into an outbound handover area. This area that is given here is all, you know, available to store packages. Charge truck ka load yahan pe hum hold kar sakte hain. So preparation aapke saamne ja rahi hai. Stations lag rahe hain. These are here. These are the outbound stations jahan pe aapke orders process ho rahe hain. Right. So inventory ka bhi aapko tour kara dete hain. हाँ जी ओके सुदेश हो गया दैट यू सी इन आवर इन्वेंटरी एरिया। सो वी हैव कैटेगराइज्ड आवर इन्वेंटरी इनटू डिफरेंट जोन्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आइटम दे आर, राइट। ओवर हियर दैट यू सी जो कि हमारा हैंड ओवर एरिया है। तो अगर मैं ओवरऑल प्रोसेस आप लोगों को समझाऊं तो द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर एंड देन व्हाट आवर टीम डज इज दे रन अ वेव इज अ पूल ऑफ ऑर्डर्स दैट दे गो एंड देन पिक फ्रॉम द इन्वेंटरी एरिया, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज दे रन अ वेव, दे गो इनसाइड, दे हैव अ पिक लिस्ट व्हिच मेंशंस व्हाट आइटम्स दे नीड टू पिक फ्रॉम इन्वेंटरी एंड ब्रिंग आउटसाइड। सो दे ब्रिंग इट आउट इन दीस ट्रॉलीज ओवर हियर दैट यू सी, एंड वंस द आइटम्स आर पिक्ड दे कम टू दीस packing stations over there, and that is where the orders are packed, right? So the items are then segregated based on orders, and then we paste an airway bill on it that has all the customer address details, phone numbers and all. That is when the package is almost completed, right? And then the last step is we hand those packages over to the 3PLs that that come pick them up, right? So yeah. हम तो अब हम जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है जो कि है रिटर्न्स का पार्ट। सेलर्स हर बार शिकायत करते हैं कि जो दराज की टीम है उनके यानी कि कस्टमर के गलत रिटर्न को भी एक्सेप्ट कर लेती है, तो हम वही सिस्टम चेक करने जा रहे हैं कि क्वालिटी चेक यहाँ पे कैसे होती है। जब भी कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर होता है तो कस्टमर हैज एन ऑप्शन टू लॉग अ रिटर्न फॉर इट अगर उसमें उन्हें कोई मसला नजर आया, राइट। सो ऑल दोस पैकेजेस देन कम ओवर हियर, दीज आर आवर क्यूसी एजेंट्स, देन क्यूसी द आइटम्स, दे वेरीफाई व्हाट द कस्टमर रिटर्न रीजन वाज एंड देन क्यूसी द एक्चुअल प्रोडक्ट टू एक्चुअली वेरीफाई दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट विद द आइटम और नॉट। बेस्ड ऑन दैट दे देन आर आइदर रिफंडिंग द कस्टमर और सेंडिंग बैक द फॉल्टी प्रोडक्ट्स टू द वेंडर। So that in a nutshell is the entire process.
कस्टमर को इस पे तो बताएं कैसी चल रही है 11-11 की तैयारियां। चलिए इनसे पूछते हैं कि इनकी 11-11 की तैयारियां कैसे चल रही हैं। ये कैसी चल रही है 11-11 की तैयारियां? काम पहले से ज्यादा कि कम है? सारी रात आप इधर ही हैं तैयारी करके आए? चले जबरदस्त।